आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। शादी की फिल्म को पूरा मोहल्ला देख रहा है, मुझे ये भी दुख नहीं है। अच्छा। मुझे डर इस बात का, ये फिल्म रिलीज ना कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में खुश आमदीद कहता हूं। ख़वातीनों हज़रात, शो आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और एक बात, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबा भी दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज का जो मौजू है उसकी मुझे समझ नहीं आई। मेरे पास आज दो कपल हैं जी, और एक ऑफिस में बैठे हुए थे, एक घंटा हम बातें करते रहे, मुझे उनकी समझ नहीं आई। दूसरा कपल मेरे साथ फ़ोन पे था, उनकी भी मुझे समझ नहीं आई। दोनों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आए तो शो के आखिर में आपने मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या समझ आई है जी। तो पहला कपल वो है जिसकी बीवी कहती है जी कि मेरे मियाँ जो हैं वो घर से बाहर ही नहीं जाते, हर वक्त घर में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते। उनकी ये शिकायत है, तो उनसे पूछते हैं, आपने भी गौर से देखना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मिस्टर एंड मिसेज जुनेद। अच्छा, पीछा छोड़ दे, यहाँ तो पीछा छोड़ दे। 24 घंटे सर पे मैं बोर हो गई हूँ, तो इस शक्ल से बोर हो गई हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा। हसरत करती हूँ मैं किन पे? उन औरतों पे जो ये कहती है एक हफ्ता हुआ आपके भाईजन घर नहीं आए, ये निगोर मारा घर से बाहर निकलते नहीं है, चपड़ का नाती है मखंचू शक्ल वाला। नहीं नहीं, क्या हुआ आपका? ये आपको सिर्फ ये शिकायत है ये घर से नहीं निकलते? देखा स्माइलिंग, ये तो 1.5 घंटे से मैं यही सुन रहा हूँ, आगे भी कुछ बताए ना। मैं चाहती हूँ ये घर से बाहर जाके सुबह से शाम वाली कोई नौकरी कर ले, सिंपल बस। काम घर से आप काम नहीं करते? करता हूँ जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? इससे प्यार करता हूँ। ओए होए, प्यार तो ठीक है, लेकिन खाली क्या खाना पकाने में भी प्यार डालते हैं, खाते भी प्यार? सर, प्यार मिल जाए, खाना ना भी मिले तो जरूरत नहीं है। मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, घर से बाहर निकलता तो मुझे कुत्ता पड़ जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं क्या, कुत्ता पड़े तो घर में बंदा पड़ा रहे, ये नहीं ठीक। हाँ, पड़े से पड़ा रहे तो। मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने अपने घर में अपना बिजनेस खोला हुआ है। अच्छा, घर में ही बिजनेस? बहुत बड़ा। अच्छा, काम भी करते हैं क्या? हाँ जी, किराने की दुकान है, बैठक में। अच्छा, बैठक में ही किराने की दुकान? अरे वाह, खिड़की लगाई भी है 5 मिनट के बाद ये कहने के लिए, जानू आप ठीक तो है? सोफिया क्या कर रही हो, क्या पका रही हो? अच्छा चलो मैं आता हूँ, गाहक बाहर खड़े रहते हैं, ये अंदर खड़ा रहता है। अच्छा जी, मैं पूछता जानू तुम ठीक हो? क्यों आप, एक मिनट मुझे ये बताएं कि आप क्यों बार बार इनका पूछते हैं, क्या बात है? सारा मोहल्ला कहता है ये ठीक नहीं है जी। नहीं तो मैं फिर खिड़की खोल के ना मोहल्ले के सामने पूछता तुम ठीक हो ना, तो ये कहती ठीक है, फिर मैं उनको झूठा करता हूँ। तो देखो मेरी बेगम अंदर बिल्कुल फ्रेश है, अल्लाह की रहमत से, कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं घर में रहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे। अच्छा, इनको इनको शिकायत ये है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहते कि किसी वक्त भी आपकी तबीयत खराब होगी तो अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? कितना अर्सा हुआ शादी को? शादी को हमारे कितना टाइम हुआ? 8.5 साल बदकिस्मती से। 8.5 साल हुए। अभी तक कुछ नहीं हुआ? जुमा 8 साल हुए। चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आप मुझे एक बात बताएं, आपको अपनी सांस की कसम मैं बीमार लगती हूँ? नहीं नहीं, आप माशाल्लाह। तो फिर काय को आगे 5-5 मिनट बाद पूछते हैं, किराने की दुकान डाल दी, मैंने कहा गाहक आएंगे, ये वहाँ बिजी हो जाएगा, मैं आराम सुकून से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लूंगी, लेकिन नहीं, वहाँ पे इसने हमारी शादी की जो वीडियो है वो अपनी दुकान में चला रखी। अच्छा, इतना भी इंतजार नहीं है कि आप दुकान पे आके भी आप शादी की वीडियो लगा रहे? मैं उस लम्हे इनको ही देखते रहते हैं। उस लम्हे को बार बार याद करता हूँ जब पहली मरतबा इसको मैंने देखा। अच्छा, तो शादी की फिल्म में मैंने 3 गाने डाले हुए। शादी की फिल्म में 3 गाने भी, ताकि उधर कस्टमरों की लाइन लगी रहे, भाई गाहक आते रहे जाते रहे। अच्छा, आप गानों की बात कर रहे हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं? नहीं यार भाईजान, बैकग्राउंड वाले नहीं, पार्टी भाभी ने खुद 2 गाने किए हुए जी, अपनी शादी पे खुद डांस किया हुआ। आपकी भाभी हल्की आंच पे इतना
अच्छा डांस करती, मैं आपको बता। अच्छा यार, वो उस वक्त मैं खुश थी, मुझे लगा कि ये बंदा कहीं जॉब वॉब करता होगा, 9 to 5, सुबह जाएगा शाम को आएगा, तो चलो मैं खुश थी। मुझे क्या पता थी चपड़ कराती है सारा दिन घर में बैठा रहेगा। अच्छा आपने आपसे पहले ये डांस किया? और मुझे भाई मैं आपकी बात, मुझे ये दुख नहीं है कि इसने शादी की वीडियो वहां चला दी। शादी की फिल्म को पूरा मोहल्ला देख रहा है, मुझे ये भी दुख नहीं है। मुझे डर इस बात का, ये फिल्म रिलीज ना कर दे। तो फिल्म रिलीज क्यों ना कर दे, क्या करेगा बदतमीज आदमी, उसमें थोड़ा सा क्लाइमेक्स डालना है। अच्छा क्लाइमेक्स डालना है, मैं सोच रहा हूँ रिलीज कर दूं। एक आइटम सॉन्ग डालें, क्लाइमेक्स डालें और गाने। फिल्म बनी अच्छी है भाई। तो रिश्तेदारों ने लड़ाई हुई तो एंजॉय बैंड अप चलेगा। अरे वाह, फाइट भी मिल गई, एक्शन भी हो गया, डांस भी हो गया और शादी का गाना भी। बस हसरत है तो उस कैरेक्टर पे जो ये आके कह देता ये शादी नहीं हो सकती। वो भी आया था, वो भी आया था। वो अभी भी नहीं सुनी। वो आया था जी। अच्छा वो कौन था? वो था बड़ा बंदा सा। बड़ा बंदा क्या मतलब? मतलब जिसके साथ पहले मंगनी होने वाली थी ना, जो उम्मीदवार था पहले। अच्छा जी, साहब का मंगेतर। साहब का मंगेतर भी था। चले आपसे साहब का बात रहता था। साहब का बात, साहब का साथ का बात। अच्छा साथ का बात। हाँ जी। चले आप तशरीफ रखे। मैं ये कह रही थी कि इतने सालों से इसी के साथ आज मैं आपके साथ ना बैठ जाऊँ, मैं बोर हो गई इसकी शक्ल से। सारा दिन मुझे सारा दिन जबानी याद हो गया कि 24 घंटे में ये यूं कितनी दफा करता है। अच्छा आंखें कितनी दफा झपकते हैं, इतना याद हो गया, आंखों से हटता ही नहीं। नहीं लेकिन आप कुछ किस्मत है कि इतना प्यार आपसे करते हैं, शादी को 8 साल हो गए। खाली प्यार होता तो रोना किस बात का था। मैं मशीन लगा के कपड़े धोती हूँ, बीच में वॉशिंग पाउडर डाल देता आगे। उसमें वो शक्कर डालते हैं मतलब मेरे कामों में किस लिए टांग रहा? हेल्प करते हैं। चलती हांडी में से बोटियां निकाल के खा लेते हैं। जब पक्की में से मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं खुद ही निकालूंगा। क्यों नहीं मिलेंगी? नहीं आप कहा कि वो क्या पड़ोसियों को बांट देती? नहीं जेड़ा मेरे सामने कुत्ता बैठा होता उन्हें पा देती। आपको नहीं देती? मुझे नहीं देती कुत्ता। मेरे मुझे ये भी घूर कुत्ता मुझे पहला हक तो उसी का है ना। उसी का बेजुबान है, उसने कौन सा कहना लाओ, उसने कहना ले आओ ले आओ। आपने तो मांग लेने भाई, दुख मुझे इस बात का नहीं होता कि वो कुत्ते को बोटी डाल देती। कुत्ता जब शरीकों की तर्फ मुझे देखता है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शरीकों की तरह नहीं देखता, जब भी वो गोटी खाता है दांत तलब नजरों से देखता है इसको। हाँ हाँ। बच्चे और कुत्ता ऊपर से मुझे कहता वो जरा वो दूध पी ला दो। एक्सप्रेशन उसके ही होता है। गोटी खाने के बाद कहता वो तीली ला दो, तीली मुझे मैं ये तू कौन सा ला देता है, तू कहता अपनी कुत्ती को क्या। एक मरतबा तो मैं मछली लेकर आया। अच्छा मछली मुझे नहीं थी, कुत्ते को डाल दी। हाय हाय। वो मछली खा के क्यों बैठा हुआ था? क्यों? मैंने उसको सिगरेट निकाल के दी, मैंने कहा ये आप लगाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता। चलें आप बैठे, मजेदार बातें हो रही है खवातीन और रात। आज शो का बड़ा मजा आने वाला है, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखे। पहले आप मैं बैठ जाऊंगी, मैं टुंडी नहीं हूँ, मैं बैठ जाऊंगी खुद से। लो टुंडी, टुंडी आप यूं करके बैठती। बैठे बैठे बैठे। ऐसा कोई एटमी खामिद मिला है, मेरी तो नसीब सड़ गई। आराम से चल बैठ। खुश किस्मत है आप इतना प्यार करते हैं। नहीं चाहिए, मैं इरिटेट होती हूँ इतने प्यार से, नहीं चाहिए मुझे इतना प्यार। चले आप बैठे, आप क्यों नहीं बैठ रहे? जब तक ये बैठी हैं मैं इसकी मुर्शिदों की बेगम हूँ। अच्छा आप कहेंगी तो बैठेंगे, क्या दें? बैठ जा मखंचू की औलाद, बैठ जा। जब मखंचू कहती है तो मेरे दिल में जंचू उठते हैं। आए जी, थैंक यू। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दूसरे कपल की ये शिकायत है, बेगम साहिबा कहती हैं जी कि ये घर आते ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं देते। तो आइए उनकी भी सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर एंड मिसेस अंजू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सब की हाल चाल? जी मैं ठीक ठाक। सारी खैर मेरे जी। लड्डू दे पापा आ जाओ, किथे रह गए हो? हां हां ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੋ ਖੋਖੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਇਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ ਦੋ ਖੋਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 crore? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੂਜੇ ਖੋਖੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਝੋਰੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੂੜੀ ਗਏ। ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੱਡੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਰੰਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬੇਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਰੰਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀਲ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੂਪ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐ ਪਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੀਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵਾਲ। जी बैठे तशरीफ रखे, बहुत सारी तालियां। अच्छा आपका ये मसला है कि आप इनको टाइम नहीं देते। मैं बिल्कुल की टाइम दिया, देखो ना पुराने चंद्रे अर्गा मुंह है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਦਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰ ਤਾਜ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮੈਂ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਲਵ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਲੈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮਦਾ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਇਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੇਲੀ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਮਦ ਮਿਟਾ ਲਈ। अच्छा ये 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 देखें, ये घर से नहीं निकलते और आप घर नहीं जाते। ये तो बड़ी जहरीली औरत जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਮੇ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਹੀ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੇ ਅਕੇਲਾ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਈ ਹੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ। ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਚਿੱਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ? ਹਾਂ ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਇਨਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ? ਆਪ ਖੁਦ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ, ਅਗਰ ਖਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਔਰਤ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ। ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਮਾ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰੋ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਚੁਆਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜੂਸ ਲੱਭੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਚੂਹੇ ਛੂਹੇ ਨਾ ਪੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੇਗਮ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੜਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਛੋੜਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਅਕੇਲੇ ਛੋੜ ਦੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਤਾਏ? ਅਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਭੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਾਭੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਭੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਰਾਵੀ 2-3 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ? ਰਾਵੀ ਤੇ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨੂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ? ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗੀ। ਐਡਾ ਕੌੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ।
और सिगरेट बंद हो गया जैसे हर जगह गे पींदी। अच्छा मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया। प्लीज आप मुझसे बात मत करें, मेरा सर दुख रहा है। प्लीज आप मुझसे बात मत करें। अच्छा मियां बीवी वाले लाड करो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਧੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਸਕੀ ਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਆਹ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੇ ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਰੇ ਕਭੀ ਅੰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਭੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਤੋ ਤਬ ਨਾ। दुकान के कह रहे मुझे खाना कौन देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, और अगर कभी बदकिस्मती से मैं अम्मी के घर चली जाऊं तो ये अपनी वो वीडियो और सीडी प्लेयर लेके अम्मी के घर आ जाता है। अब आप खुद बताइए, शादी को 8 साल हो गए, अम्मी के सामने कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है। लगा के कहते वाजी वाह, रिवाइंड करो वाजी वाह। अम्मी भी उधर कल्ली बैठी हुई है जनाब, पीला सूट पाया ना, जो मेहंदी है तो नचण जांदी। मतलब ये कि मैं जावे उन दे कोल बैठना, उन दा भी दिल लगा रहंदा, मेरा भी दिल लगा रहंदा। वो वीडियो देख के वो खुद कह रही होती है, बेटी मैं तनु क्यों टो रहा, मैं तनु क्यों टो रहा। जाहिल आदमी, कोई काम कर ले ना, कोई और बिजनेस कर ले, कोई नौकरी कर ले, सुबह घर से जा, शाम को घर पे वापस आ जा। मैं भी इंतजार करूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं दरवाजे में खड़ी होकर राह देखूं अपने खामन की। बत्ती बाल के बनेरे होते रखनी है। आपका भी दिल करता है कि शाम हो आप ऐसे करके बतियां बालें, बनेरे पे रख के तो फिर गाना गाए। मेरी हसरत है वो कौन सी खातून है जिन पे ये गाना पिक्चराइज होता, सानू नहर वाले पुल ते बिला के ते होरे माही किथे रह गया। ये माही घर से ही नहीं निकलता, उसी घर को छोटे से छप्पड़ बनवा लो। बनाया भाजी, बनाया तो बतका दो छड़ी है। हां बतका छड़न दी लोड़ ही कोई नहीं, बीवी तेरी बतक कर। अपने मालिक को संभाल के रख, मैं तेरे नाल लड़के ना ते अपनी खसम ते पर्चा करवा दे। ओहो प्लीज थले करो, मैं तो अगे घर नहीं आता, उतो बाल बहा। जब तुम अखबार वाला भी तो अखबार मना करा दिता है, नहीं तो वाह अखबार होंगी सी मैं अग ला के चिड़ 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 कर लेंगे। अखबार वाला भी तुमसे इरीटेट होके गया होगा जितनी तुम लिचड़ हो ना। तो सारिया सारे मेन कॉलम इतने ला लें। अच्छा अंजुम भाई, आप कभी अचानक घर आए हैं कि टाइम से पहले आ गए हो और इनको सरप्राइज दिया? एक बार तो अचानक कर रहा है, इन्हें दियापड़ी ठीक निकल गई। वो क्यों? भाभी दी मुछा दाढ़ी निकली है। अगर आप में कोई टैलेंट होता, अगर आप इस काबिल होती तो आपका मियां घर पे रहता, आपसे प्यार करता। ये देखो कैसे मैं अपने बिजनेस दी वजह तो कर नहीं, मेरी बीवी तो तुझे याद है कि वो क्यों किसी ने लो काटते ये तो काम को मत कर, अल्लाह माफ करे जी। वो दिख रहा है, दिख रहा है तमिल फिल्मा च एहो जियां हीरवना हुंदियां वे। देख के सही, तेरा बंदा 24 घंटे घर ही रहिंदा, मस्ते नू मंजे ना ताला लाया। बस बस बीबी अपने खामल ने जुबान लड़ा, तेन मैं दसा जी हां मैं करूं निकलता हुंदा ना तो मैं तेरे तेरे घर आके कुटना सी। मेरी बात सुन, जानो थोड़ा टाइम निकाल के उनके घर जाके लड़ाई तो कर रही। प्लीज जनाब दी लड़ाई ना करवाना, मेरी बीवी जरा बड़ी हाथ चोट है। मेरी जबान भी तेज है, मेरे हाथ भी तेज है, मुझसे ज्यादा हाथ चोट नहीं हो सकती। जवाब दे उनको जाके। अरे चक्कर साहब कौन है, मर जानी है, एडी उर्दू बोलनी है तू की लक्ष्मी के बीच हलीम दी रेड़ी लाई। लक्ष्मी आराम ना ले, बेगम बेगम छोड़ दे ना, क्या मेरी जबान तू कर, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं कह रही हूं जाके जवाब दो ने, मेरे लो मेरे लो मेरे लो तन दो ने जवाब ही। चलो चल आइए, बड़ा जवाब दिया दौड़ो। मेरे खामन का मुंह एवे नहीं नीला होया, लड़ाइया च चपेड़ा पाइया ने उन्होंने। आप भी लड़ाइयों में इनको पड़ी है जी, महल्ले च हर बंदे नाल ते मैं लड़ पैनी। ये किन मर्दा नाल लड़दी, औरतां नाल ते लड़दी नहीं। अच्छा बड़े मर्दा नाल लड़ा। अच्छा मिन्ने कन टूटे मेरे महल्ले ते, यकीन करो गली दे विच इहदी वजह तों खलोंदे ने। अच्छा जी आपने घर में दुकान बना ली है, इनको छोड़ के दूर नहीं जा सकते, इनके सामने रहना चाहते हैं, अपनी नजरों के सामने इनको रखना चाहते हैं, अब दुकान में तो बैठे ना, कम से कम काम तो करें, दुकान खोल के आप फिर घर चले जाते हैं? नहीं दुकान पे बैठता हूँ, तो मेरे दुकान में एक चूहों की एक फैमिली रहती है। अच्छा जनाब जब दो मियां बीवी चूहा ते चूही बह के आप दुख सुख दियां गल्लां करदे ने जी, प्यार मोहब्बत दियां गल्लां करदे ने, ते मेरे सीने च बाम रोले उठते हैं। बाम रोले ते मैं फिर नस के अपनी चूही गल आ जाना, मतलब चूही मैं कहना चूहिए तेरा चूहा आया। देखो कैसा बंदा है, लांजे तो मुतासर नहीं, अंजलीना जूली तो मुतासर नहीं, और ये देखो चूही चूहे तो मुतासर। मेरे दुकान के चूही चूहे रहते ने, छोटी जी दुकान है दरवाजे के आगे यूं करके पहुंची हूं, जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकली डिग्गी से मुंडी निकाल के कहने लगा आहा सरप्राइज की दिता कि कपड़े भी नहीं पाए सिर्फ निकर पाई, बाथरूम में सी कि पता लगा तो पीछे ना सके। मैं सोचा भी असि केड़ा उठे बहना।
उसी गाड़ी में वापस ले आए। बेगम नु नाल बिठा के वापस ले आवांगे, इसलिए मैं के कपड़े घर आके पा लेंगे। देखा, अच्छा जब आप अम्मी की तरफ जाती हैं तो ये साथ वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। मैं सर जो तुझे नाल जाना है, अम्मी घर छड़ के नाल लेते घर चली जाए। मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा रूल पास कर दे कि जो खाविंद शाम 5 बजे से पहले घर आएगा उस पे जुर्माना हो। ये तो सिर्फ तेरे वास्ते ही है। अरे 9 बजे जाए, 5 बजे, 8 घंटे तो आजादी से जी सको। क्या बात है, खामन के बगैर जिंदगी नहीं है। वो अपने घर के काम होना पूरा मधार लाया जी। किस तरह अपना खामन घर नहीं है, उन्होंने गल्ला करनी रही, दुख सुख उन्होंने बोलती रही बेचारी, की करे कली घर बह के। दो चार खल्लां कठियां कर लाया, साडे अल छापा पै गया, उन्हां ने कहा खरे सी खोते दा गोश्त बेचने। हर सुने जिहड़ी खल लाउंदे सन उत्ते बड़ी बड़ी शायरी होई है जनाब। अच्छा, ओ सुने ने तुसीं खल्लां गोरियां दे विच टोए? नहीं नहीं, गल्लां गोरियां। अच्छा खल्लां नहीं सी? नहीं नहीं, गल्लां गोरियां। अच्छा मुझे वैसे देखें, इनको देख के भी तरस आता है और आपको देख के मुझे फखर होता है, और एक वो कि यार कितनी खुशकिस्मत है, कितनी खुशकिस्मत है कि खावंद आपको प्यार करता है। आप मेरी जगह मेरे, एक मिनट में चपड़कन आती है, मेरी जगह मेरे घर एक दिन मैं कपड़े इस्त्री कर रही आती है, कहती है ना तुम मेरी मोहब्बत के वो क्या कहते कीमत अदा हो। एक दिन मैं कपड़े प्रेस कर रही, अपने ध्यान में लगी हुई, मैं आराम से कपड़े प्रेस कर रही, पीछे से आके उसने बहु किया, 4 दिन इधर से इधर तक मेरी बाजू जली। तो फिर मैंने वो कहा नहीं था बाजी डर गई, बाजी डर गई। ये तो मैंने कहा शैली किसे दिन अपनी जगह ते अपने घर मेनू छड़, जे तेरा खसम अगले दिन घर वड़ गया ते मेनू फड़। ये भी तो बेवकूफ है, तैनू भुलेखा है तू ना, हुण रैंबो को आई नहीं, अगली बारी तो हसन निसार साहब को जाना, ये घरों नहीं निकलता। मेरा खसम बहु भी नहीं करना, शक्ल वेख के मेरिया चीकां निकल जांदियां, चीकां निकलन जिहड़ियां मैं नहीं कढ़ाता। जिस किस्म की तुम बेबाक औरत हो, कान फाड़ के सुन लो खबरदार जो मेरे मियां की तरफ देखा। तेरे मियां है की वेखण वाला कैसा मुराद लगता है? मिस्त्री मिस्त्री कंध सीधी करने वास्ते रस्सी रख के एक लाटू नहीं लमकाउंदा, उस लाटू वर्गा मुंह है मर जाने दा। शर्त लगा ले कि भाई जब घर नहीं आते सारा दिन बैठ के मिस्त्रियों को देखती रहती, लाटू की वे लटकाया मिस्त्रियों को देखती रहती, ये लाटू को देखती रहती है। तू कार आवे जो मिस्त्रियों ने लाटू तो ना वेखे, वेखो तो सही, खाली लाटू नहीं वेख्या भाई, यकीन करो। वो जिन्हें हल गरमाला फेर के पलस्तर नहीं करते, मैं तो गरमाला फेर के खुश होती रहती, मर जाना घर ही नहीं। अब मिस्त्रियों के साथ काम कराती रहती है खसम घरो बाहर नहीं निकलन दिता, इन इज्जत की रोटी खवाई है। दसो ना हुण मुन्ने दे मुंह दसो, बात छोड़ो, इंसल्ट एक बार समझ नहीं आई मोहतरमा। मैं वैसे बात तो आप तो है आपके साथ ही मसला, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर आपका खाविंद घर पे टाइम ही नहीं देता तो ये मुन्ना किधर से आया? मतलब मेरा खामद फौत हो गया, ਇਹ ਖਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ?
इस्त्री करन तो बगैर पा के गिले हाथ ला लेंदा तू मैं दस भी तू मोटरसाइकिल पंद्रह रुपये एक टाकी पिछे बचते ने यकीन करो गड़िया बच जा मैं घर इन लिया के देना तू घर तपड़ी मार लिया अच्छा बिजनेस है कौन देंदा जी अजकल पाकिस्तान च पंद्रह रुपए एक टाकी दे मिलदे हुण ते बड़ी गल बड़ी गल नशा करता हुंदा सी पहले हां मोटरसाइकिलां दा धुआं सुन के उतों निमको खा रहे हुंदे और जो नशा नहीं सी होंदा फिर मैं अगले बंदे नूं कहिंदा जरा रेस दे यार पैसा ठीक नहीं रैंबो साहब जी तुसीं भी कोई साडा फैसला करोगे कि इत्थे सौदागर जे बन के बैठे मैं तुहाडियां गल्लां सुन के परेशान होया मैनूं समझ नहीं आ रहा रैंबो साहब मैं सोच रहा ने किते कोई फैसला दिओ ताकि असीं अपने घर जाके फैसला मैं सुनाऊंगी अगर आपने घर से बाहर कोई काम शुरू नहीं किया तो मैं बता रही हूँ मैं खुला लेके अपनी अम्मी के यहाँ जाऊंगी लो जी ए खुला कहनी है ना मैं उस तो भी खुला देंगा मैं प्लाट देंगा उस फिरे खुली डुली मैं अपनी दुकान चौक के जी गली चला जाना गली चला नहीं यार आप देखो मोहब्बत और नफरत एक लिमिट तक होनी चाहिए मोहम्मद इतनी ना करो कि वो नफरत में बदल जाए अज़ियत में शायर हजरत क्यों कहते हैं कि हर चीज में तशनगी रहनी चाहिए तशनगी रहनी चाहिए शायरों की केड़ी बेचारों की गल हुंदी है उन्होंने 20 रुपए दे के भवे शाह कोट ले जाओ बेचारे लिए ना ना 20 रुपए नहीं बड़े 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 काट लेंदे ने और नहीं नहीं इस तो भी अच्छा आप वसी शाह साहब को करो तो मैं पता चल जाए वसी शाह साहब जिते शरीफ शाह ने मेनू पता होना उन्होंने तो कोई कुछ भी ना दे तो किराया कोलो लाके चले जाते नहीं इतनी भी गल नहीं कोई सर मैं वेख्या सरगोते फंक्शन करते ने दो दर्जन किनुआ तो भी मुजारा बाड़ा होता यार शरीफ आदमी ने मैं जानना चैरिटी ज्यादा चैरिटी दे शो ज्यादा करते ने पैसे पुए पैसे नहीं ना कन्विंस भी नहीं लंदे हो कहंदे मेनू मोटे दे चुक ले जाओ साहब नु ते छड़ जाना रख करे मुंह देते उनो कमजोरी छोटे से तो है वेट तो है नहीं उनका गोद में उठा के ले जाते जंगल च मुशारा कर रहे ने जाके वसी शाह साहब हां तो सारी ऑडियंस पत्ते बन के बैठी शाहजी ने क्या कहा पर तुसी कपड़े नहीं पाए पत्ते बन के बैठे हो क्या शाहजी ए ते तुहाडे तराम च पत्ते बने असी तो मुशारा होनी सुनी ना आ सरगोते दे विच यकीन करो 300-300 लेला बैठा हुंदा सी शेर सुन रहा हूँ आओ तू कहना कह रहे यार वो सरगोधे नहीं रहते थे वो इस्लामाबाद में रहे हैं बड़ा अरसा सरगोधे से हैं लेकिन जिंदगी ज्यादातर उन्होंने इस्लामाबाद गुजारी है फिर लाहौर आ गए आप उनके बारे में फजूल बातें फजूल बातें नहीं माशाल्लाह मुल्क साडे दा नाम है शासन है अच्छा इंसान है कितना बड़ा शायर है और ग्रेट आदमी इसलिए है कि कहीं एक शहर में मुशायरा कहीं दुबई मुशायरा कहीं यूके मुशायरा और एक ये कमरे से बैठक बैठक से कमरा कमरे से बैठक ड्रेस पैंट थले भी उन्होंने यकीन करो पिशौरी चप्पल पाई हुई इमरान खान से मुतासिर है हां जी अच्छा पिशौरी दी समझ नहीं आंदी जी आजकल देखो तुसी इन्हां दे मिसरे की हुंदे ने काश मैं तेरे हाथ का हसीन कंगन होता भई अल्लाह ने तैनू बंदा बनाया तू अगो कंगन बनन तुरया हाथ का हसीन हसीन हाथ का कंगन होता अच्छा लो के तैनू जेड़ा तेरा कंगन कीता हुंदा ना सीधा इस तरह नहीं मिलदा कोई कामत शदरे वाली साइड दा तैनू ना वेख एदा कंगन गल किवें निबड़दी है लो शदरे वाला लबदा कंगनपुर चले जाओ कंगनपुर चले जाओ मैं बता रहा हूं देखे मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ प्यार करता हूँ लेकिन अलग नहीं रह सकता मैं अमेरिका की ऑफर है मैं इनकार कर देता मैं बेगम नु छड़ के मैं नहीं जा सकता अच्छा बेगम नु नाल ले जाओ ते या फिर मेनू लेके जाओ आप मुझे बताओ मेनू लेके मैं फिर महीने दो महीने बाद जो वापस आई तो मैं दिया यादा दीवार ते तस्वीर बड़ा बड़ा गुजारा किया अच्छा मैं चुताइया कटिया दी खातिर आप इनको टाइम दिया करें ना देखें आपने शादी किस लिए की है हर वक्त काम करने के लिए
रैम्बो साहब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखो शादी तो बाद 5-6 महीने होंगे ने कि बंदा बीवी दे लाड चाह वेखदा। हनीमून मनाने वास्ते मैं पेरिस लैके गया वा। अच्छा, इनू मैं काफी मकदार दे विच पैसे खर्चाए ने उत्ते अय्याशी करवाई है, इनू मैं तो बीचा दे लैके गया। आप गए बाहर लेके गए थे आपको? हां जी रैम्बो साहब मैनू लैके गए सब। देखो मैं हुन भी चाहनी हां कि उसे तरह दी जिंदगी होवे, मेरी जिंदगी च उसे तरह दी एंजॉयमेंट होनी चाहिए। हर तरह की सहूलत है, घर में मुलाजमीन भी हैं। जी जी, अब ये कहना चाह रहे हैं जी कि 6-7 महीने होते हैं जिंदगी के, वो हमने एंजॉयमेंट कर लिया है, अब मुझे कमाने दो। अच्छा जी, आप आप शादी के बाद गए थे हनीमून पे? जी बिल्कुल, हनीमून पे लेके गए, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए। रैम्बो भाई मैं तुहानू की दसा, गरीब आदमी ने की हनीमून मनाना हुंदा? हां जदों मनाउण लगदा बाहरों कोई बैल दे जांदा यकीन। हनीमून मनाउण दा टाइम सी, मेरी सकी मासी रुस के टुर पई, मैं ओनू मनाउण लग पई कि मासी तेरी मेहरबानी करे, पुत्र दा विआह छड के ना जाई। और मैं दुआएं करती टाइम उथे लंघ गया, ओ मुकिया ते फुफड़ दी लड़ाई पै गई। वड्डा फुफड़ छोटा फुफड़ दोवें आए सन, ओ बोटी उन्हां नूं रोटी पा के दित्ती, वड्डे फुफड़ नूं छोटी बोटी चल गई, छोटे फुफड़ नूं वड्डी बोटी चली गई। उन्हें कहा फुफड़ मैं वड्डा बोटी, उन्हें उथे रह गया फुफड़ वड्डा बोटी छोटी, छोटा फुफड़ वड्डी बोटी, ए रौला पै गया। मैं ते उन्हां मनाउण च लग गया, अखीर एंड ते टाइम मिलिया हनीमून मनाउण दा। महीने बाद भी खत्म हो जाता है, कभी तो खत्म होता है ना। हाँ। ये 24 घंटे सर पे सवार रहता है। एक दफा मैंने सोचा इससे जान नहीं छूटेगी, क्यों ना इस पे गर्म पानी गिरा दूं। अच्छा। जैसे ये दुकान का दरवाजा खोला, खिड़की से बाहर निकला, मैंने गर्म पानी इसके ऊपर गिरा दिया। मेरे पीछे होने तक लकीर पई है। मैं उस लकीर को मिटाया नहीं रैम्बो साहब। क्यों? निशानी दे तौर पे रखे है। कह रहा प्यार की निशानी। जिस जगह का हनीमून मनाया उस जगह को मैं यादगार बना देता। आज तक सफाई नहीं करने दी, बस मैं अपनी दुकान बनाई है। अच्छा, इतने जो गर्म पानी है तरोड़िया, यकीन करो ये और गर्म हो गया। और बाज फिर भी नहीं आया, फिर दोबारा मेरे पीछे पीछे फिर के कह रहा था मैं पूछ गई मैं पूछ गई। खामद भी सड़ गए होंगे, जे खामद सड़ना चाहनी है तो बिल्कुल मेरे तरह अपने खामद नु तू तप दे तेल दे विच सुट। इन्हें तो मेरे वास्ते कर फ्राइड रखा है, यकीन करो जो मर्जी 2-3 मसाले सुट दी मैनू वे सुट दे, खामद फ्राई करके खांदी। अच्छा ते गल ए रैम्बो साहब, उन्होंने कमाई करने वास्ते घरों बाहर जाना पैंदा, ते मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना कि मेरी दुकान घर च, मेरा बिजनेस भी हो ते मेरा घर भी हो। लेकिन तुसीं इन्ना क्यों ध्यान रखदे हो बुड्ढी दा? दुकान में बैठ जा बस, खैरियत है। हाँ, तुसीं मतलब कहना चाहते कि मैनूं इन्हां ते शक है? कोई शक ते नहीं, मतलब इन्हां ते मैनूं कोई शक नहीं। हाँ, पड़ोसी ठीक है। अपनी जमीन वेच के 10 परले दा घर लै के उत्थे मैं नाल दुकान बना ली, नाल मैं अपना बना लिया घर। इज्जत नालों केड़ी चीज प्यारी जनाब? इस गलो मेरी बीवी दा यकीन करो, जोड़ी नहीं। हां जोड़ी डरदा सरदारी, यकीन करो बाबे नाल हुक्का पी आउंदी बाहर, पता नहीं हुंदा यकीन। आज मैं ते लाश खेड आउंदी लारी अड्डे बह के अड्डा खड्डा भी खेड लईदा। देखो जी और तुहानू हमाम ते भी मिल सकदा। अच्छा ठीक है, शेव कराउण गई। जदों आपन घर नहीं आउणा ते उहने फिर अपनी एंटरटेनमेंट ते करनी है। ये कमाना चाहते हैं कि ये कहते हैं जी कि पैसे के बगैर कुछ नहीं है, और आप कहते हैं जी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। मोहब्बत के साथ मुझे पैसे मिल रहे हैं घर में। अरे चूल्हे में जाए ऐसी मोहब्बत। लेकिन वो इरिटेट हो गई आपसे, तंग हो गई। आ गई हूं ना मैं, क्या करूं? एक लिमिट तक मोहब्बत करें, 6 फुट दूर रह के करें। अगर यार मोहब्बत वाला पैप लो ले, मोहब्बत वाला पैप तू मोहब्बत का छिड़का कर ले। गल्ला कर रहे हो जानू, कैसी हो तुम बताओ, इंज गल्ला करो। खावत मियां बीवी, पता नहीं कौन सी बीवी है जो खाविन को फोन करके कहती हूँ मिस यू जानू, आप भी कुछ ख्याल करें थोड़ा बहुत, निकले उनको अम्मी की तरफ जाने दें, 2-4 दिन अकेला रहने दें, वो इतना तंग आई हुई है। 4 दिन रवे नाल मैनूं आप भी जरा बिजनेस भी करें और मोहब्बत भी करें।
टाइम भी तो देना, उन्होंने शादी की है, आप जीवन साथी हैं, इकट्ठे तो रहना चाहिए। बड़ी जहरीली औरत है, मैं महीना कर रहा, मेरी लाश निकलनी करो, तुम्हें नहीं पता। बार बार जहरीली औरत, जहरीली औरत, मैं थप्पड़ पाते ने तुहानू की मार मार तुसी डट लई। इतने बिच्छू बनवाया मैं, तुहानू हवा यकीन करो। ए कहंदे सन कि तुहानू बिच्छू दा टैटू बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तुसी बनवा ले। मैं सिर्फ इन्हां दीयां ख्वाहिशां पूरी कर रही हां ते इन्हां ने मेरी इन्हां मैं कैसा को टैटू किया सी। ये जो मियां बीवी के झगड़े हैं जी, ये तो सारी जिंदगी रहने हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहनी चाहिए, वो भी प्यार की एक निशानी है। उन्हें बिच्छू दा इथे टैटू बनाया। मैं एडा को क्या सी बनवा, एडा को इने एडा बड़ा बनवा ते जेडा बिच्छू सी उन्हें ओडे बनवा ले। अरे मैं ते एडा की बनवाया सी भाई जान, यकीन करो जेड़ा बनाउंडिया सी ओदा हाथ ऐ करके हो गया सही, सारी रुड़ गई। मैं भी अपनी मोहब्बत च टैटू बनाया जी, अपनी मोहब्बत च भी टैटू बनाया अपने इस मोड़े ते। अच्छा बिच्छू दा नहीं बनाया, किदा? मैं अच्छू दा बनाया। अच्छू मेरा दोस्त, अच्छू दोस्त है असलम अच्छू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। उन्हें प्यार नाल में अच्छू कुमा कहना। हमारी हमारी दुआएं हैं जी कि आपकी जो नफरत है मियां के साथ मोहब्बत में बदल जाए, और आपकी जो नफरत है बीवी के साथ वो मोहब्बत में बदल जाए। आमीन। तुम्हारे मुंह के ओ शक्कर मां। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रख। तो सानू कद नहीं बुलाया सी ते अपनी सलामत दे लई सादा फैसला ते होया नहीं। ठीक है, चलो फिर सब घर आ जाना तुसी। मैनू ए दसो भी असि रहना। ठीक है, बस यार सोला मेरे बात सीचे से मत बुलाना जाओ यहां पे। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।